कोसी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर सहित एनडीए के सैकड़ों विधायक नेता गठबंधन के संपर्क में हैं। भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को 3 महीने से मंत्री नहीं बनाया। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि राजभर सहित सभी बड़े नेताओं का INDIA गठबंधन में स्वागत है। आचार संहिता की घोषणा होने के बाद राजभर सहित सैकड़ों नेता पाला बदल लेंगे। अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं इस जीत को, क्या करना चाहिए? ये इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के विदाई का एक पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश से मैसेज गया है और ये इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। बड़े भाई सुधाकर सिंह जी हम लोगों के समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे, इंडिया गठबंधन की जीते, 63,000 से ऊपर वोटों से चुनाव जीते हैं सुधाकर सिंह जी। तो ऐसे में क्या अब आगे इंडिया गठबंधन की रणनीति रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो राजभर जी थे और अन्य लोग भी थे जो काफ़ी बयानबाजी कर रहे थे कि जब तक हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक हम लोग सबक नहीं लेंगे, तो अब क्या होगा? जो बयानबाजी कर रहे थे माननीय ओम प्रकाश जी हम लोगों के संपर्क में है, इंडिया गठबंधन के संपर्क में है और अब इंडिया गठबंधन में पूरे हिंदुस्तान के जितने विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान से विदाई करने के लिए संकल्पित हो गई हैं। उसका एक ही विकल्प है कि जनता जनार्दन, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान सब ने यह मूड बना लिया है कि इस हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। तो हमारे बड़े नेताओं और हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के संपर्क में अभी से लगे हुए हैं, क्योंकि आप देखा जाए तो आज 3 से 4 महीना हो गया उनको अभी तक भाजपा ने मंत्री नहीं बनाया। और यहाँ की हम सम्मानित जनता, घोसी की सम्मानित जनता का सम्मान करेंगे कि राजभर बिरादरी ने भी काफ़ी मात्रा में वोट पोल किया है, चौहान बिरादरी ने भी काफ़ी मात्रा में वोट पोल किया है और भारतीय जनता पार्टी को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि उसका एकदम जनाधार जमीन से खिसक चुका है। तो ये राजभर जी आपके संपर्क में है, किस विषय से संपर्क में है, क्या मामला है? मामला, अरे आप जितनी लीडिंग पार्टियां हैं और जो राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हम लोगों के महागठबंधन में सभी पार्टियों का स्वागत है। अब यह है कि समय से, अभी तो थे ही 2022 के चुनाव माननीय, कितने लोग टूट के आने वाले हैं जी, इस जीत के बाद कितने लोग टूट के आने वाले हैं एनडीए में? कोई बचे गए नहीं, एनडीए में गिनती चुनती के लोग रहेंगे। अभी आप देखते चलिए, एनडीए में गिनती चुनती के लोग रहेंगे, सारे लोग महागठबंधन की तरफ, हमारे नेता विधायक और सांसद आपके संपर्क में हैं, इंडिया गठबंधन महागठबंधन के संपर्क में है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, महागठबंधन के संपर्क में सैकड़ों विधायक हैं जो 2024 में, सुनिए, 2024 में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसका कारण है कि जनता जनार्दन जो 24 में जो परिवर्तन करने जा रही है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि विपक्ष जो काम कर रहा है जनता एकदम समझ चुकी है, विपक्ष के साथ जनता हो गई है, इसलिए बहुत काफ़ी संख्या में है। अब तो समय बताएगा कि कितने लोग आ रहे हैं। अभी जो मायावती जी ने अपील की थी कि जो BSP के वोटर्स हैं वो या तो नोटा का चुनाव करें या तो फिर घर में ही रहें, देखा है कि नोटा पर भी कई सारी वोट्स की पोलिंग हुई लेकिन उस स्तर से नहीं हो पाई, तो कैसे देखते हैं BSP के वोटर्स ने वोट किया है इंडिया गठबंधन? मैं बहन मायावती जी का सम्मान करता हूँ, उन्होंने अपने वर्जन से एक भी बार ऐसी बात नहीं कही है, उनके किसी छोटे नेता ने कहा होगा, इस महागठबंधन के साथ पूरे जो है BSP के काफ़ी मात्रा में 80 से 90% वोट पोलिंग हुआ है और जितने पिछड़ी जातियां हैं, जितने ऐसी वोट हैं, जितने सुरक्षित वोट हैं, सब महागठबंधन के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका भी हमारे महागठबंधन में स्वागत है और समय आने पे, वक्त आने पे, टाइम आने पे, जैसे आचार संहिता लगेगा, जितनी भी पार्टियां बची खुची हैं जो महागठबंधन के साथ रहेंगी, और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुका है, ये बिगुल बज चुका है पूर्वांचल की धरती उत्तर प्रदेश से। अगली रणनीति, अरे हमारे देश में रणनीति अभी तो तीसरी बैठक हुई, तो देखेगी आप, भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत बदल रहा है, और इंडिया और भारत में क्या अंतर है आप बताइए? आप लोग मीडिया के भाई हैं, इंडिया और भारत में कोई अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। विपक्षी गठबंधन ने भी तो इंडिया नाम रखा, इसका विरोध करना चाहिए था एनडीए को। नहीं, और इंडिया और भारत की लड़ाई हो गई है। नहीं, इंडिया और भारत की लड़ाई नहीं हुई है, जो इंडिया है वो भारत है। महागठबंधन और इंडिया जो पार्टी हम लोगों की बनी हुई है वो जनता के लिए बनी हुई है, जो हमारे हिंदुस्तान की जनता उसकी सम्मान कर रही है और उसका परिणाम आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश से बिगुल बच चुका है, यह भाजपा 7 फाइनल मान के चुनाव लड़ रही थी, यहाँ पे 30 से 40
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लगे हुए थे, दो दो उप मुख्यमंत्री लगे हुए थे यहाँ पे आजमगढ़ और मऊ में धरना दिए हुए थे, सैकड़ों विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए थे, फिर भी जनता ने बता दिया कि नहीं, आपका जनाधार खिसक चुका है, उत्तर प्रदेश और पूरे देश से आपकी विदाई हो रही है। तो ये विपक्ष की महागठबंधन की जीत है। बड़े भाई सुधाकर सिंह जी को मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं लगातार देते आ रहा हूं। इसके पहले भी मैंने कहा था कि 50-60 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे, जो आज 63 हज़ार से ऊपर के भारी मतों से चुनाव हम लोग के प्रत्याशी बड़े भाई सुधाकर सिंह जी जीते हैं। काफ़ी कुछ मतभेद के भी संकेत मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव आने तक ये गठबंधन कायम रहेगा? कहाँ मतभेद है, मतभेद ये अलग मिल रहा है, शरद पवार का अलग मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अफवाह फैलाते हैं, और कोई भी विपक्ष में न मतभेद है न मतभेद होगा। आपको लगता है कि चुनाव आने तक ये गठबंधन कायम रहेगा? चुनाव आने तक, चुनाव आएगा, चुनाव जीतेंगे, केंद्र में सरकार बनेगी, जनता की सरकार होगी, ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। और हमारे नेता जो नीतीश जी हैं, जिसको अपने आप में कोई लालच नहीं है, जब कोई लालच नहीं है तो उस आदमी के नेतृत्व में जो टीम और पूरी गठबंधन बना हुआ है, जो इंडिया बनी हुई है, इंडिया सफल होगी और हमेशा के लिए हिंदुस्तान में एक परिवर्तन करने जा रही है इंडिया। ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी के लिए हम लोग यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, उनके साथ साथ जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ होंगी उनके लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ है। हम जहाँ तक समझते हैं कि 3-4 महीना हो गया, भाजपा ने अभी तक लालीपॉप दिया, उनको मंत्री नहीं बनाया, और इस बार एक तीर से दो निशाना भाजपा ने साध के दिखा दिया। जितने हमारे सहयोगी दल रहे और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अन्याय किया, अभी तक उनको मंत्री नहीं बनाया, तो हम उम्मीद करते हैं कि ओम प्रकाश जी हमारे नेताओं के संपर्क में हैं, आएंगे तो उनको महागठबंधन में इंडिया में उनका स्वागत है और बड़ा उनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द ही महागठबंधन की सीट पर आके साझा करेंगे। वहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। यूपी साठ न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।